नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सलेक्शन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टेक्निक्स कि एक बार में ही कैसे आप दुश्मन को ढेर कर दोगे। बहुत ही गौर से देखिएगा इस वीडियो को, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आसपास अगर कहीं हल्ला हो रहा है तो तुरंत हेडफोन का यूज़ कीजिए, नहीं तो बारीकियों को पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, कोविड में कहीं जाना नहीं चाहते, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो घर बैठे बैठे मैं आपको अच्छे से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग करवा सकता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप के थ्रू ये वीडियो मिलेगी आपको, उसे देख कर बस कॉपी करना होता है। और इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आपको करा के दिया जाता है, जिसकी मंथली फीस होती है केवल 500 रुपीज़। फीस के साथ आप बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग घर पर कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जहाँ पे दोस्तों एक ही बार में किस तरीके से आप अपने से लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी का काम तमाम कर सकते हैं, ढेर कर सकते हैं। वहीं पर बंदे गिरा करके कैसे हम निकल जाएंगे सफाई से, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नंबर वन, सबसे पहली चीज, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, नाखून लगा देते हैं, गर्दन पकड़ लेते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं। ये दुनिया का सबसे मूर्ख रोड फाइटर करता है ऐसा, कहना नहीं चाहिए आप लोगों में से कई बार ऐसे हुआ भी होगा। ये एक मूर्खता भरा मैसेज है कि आप गए और सीधे कॉलर पकड़े खड़े हो गए, गर्दन पकड़ लिए, बाल नोच रहे उसका। ये सब एक ऐसा इंसान करता है जिसे मार खाने का शौक है। सबसे पहली चीज, कॉलर पकड़ता है तो हाथ आप पे लंबे से है, पैर आप पे लंबा सा है, इनका अब आपको यहाँ पे बेनिफिट उठाना है। कॉलर पकड़ी इस बंदे ने, सीधा फेस के ऊपर पंच, तड़ाक से सीधा, आपको बस पंच निकाले सीधा खोल देना है। ये पकड़े तरीके से, ये इधर लगा फेस के ऊपर, तुरंत डैमेज होएगा। हाथ को तुरंत यहाँ से फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड। और ये देखिए, आपको इसकी गर्दन दिखाई दे रही होगी, सीधा चाप ले करके इसकी गर्दन के ऊपर, बैम, कहानी खत्म। दूसरा मूव देखिए, खड़े इस तरीके से और आप कॉलर पकड़ने जा रहे हैं ना, अंगूठे से इसको यहाँ से फोर्स कर दीजिए, तुरंत छोड़ करके हट जाएगा। पकड़ा बंदे ने और ये रखे और यहाँ से ये फोर्स कर दिए। कितना भी बलवान, दुनिया का कितना मजबूत आदमी हो, अगर आप उसके इस हिस्से तक पहुँच जा रहे हैं तो कॉलर पकड़ने हैं, रिप्लाई ऐसे करना है। ये देखिए, ये पकड़े सीधे रखे और यहाँ से रख कर धक्का दे दिए थ्रोट के ऊपर, मौत नहीं होगी उसकी, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद देखिए, बंदे ने इस तरीके से पकड़ा। अब सबसे सिंपल क्या है, इसके ऊपर लॉक भी लग जाए और इसकी पिटाई भी अच्छे तरीके से हो जाए तबीयत से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस हाथ को अपोजिट साइड में, ये ऊपर और ये हाथ नीचे, यहाँ से ये, अब ये यहाँ से फोल्ड इधर, ये देखिए फोल्ड कर दिए और एक उंगली पकड़े और मोड़ दिए। अब इसकी हालत ख़राब होनी पक्की है। देखिए फिर से, वन मोर टाइम, बंदे ने कॉलर पकड़ा इस तरीके से, ये पकड़े और यहाँ से ये बैंड इधर और एक उंगली पकड़े और फोल्ड कर दिए। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, कॉलर पकड़ी बंदे ने इस तरीके से, सीधा पंच निकालिए और इसकी पसलियों पे खैच करके दीजिए। बंदा पकड़ा ये इधर, खींच कर धमाकेदार पंच और एक उंगली बैंड कीजिए और बहुत ज़्यादा पेन पहुँचाना है तो उसमें दांत काट लीजिए। आप अगर मार्शल आर्ट नहीं सीखे हुए हैं, आपको कोई मूव तगड़ा नहीं आता है तो उसके दांत काट लीजिए, उसका पेन बढ़ाने के लिए। फेस को पकड़ना है, धक्का देना है और पीछे भाग जाना है। देखिए, आपको भाग जाने में इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं आप शेर बन के खड़े हो जाएंगे, आप मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। चार बंदे लेके आ जाएगा फिर क्या करेंगे आप, वहाँ तो मार्शल आर्ट भी काम नहीं आएगा जल्दी। थोड़ा बहुत सीखे हैं तो चार पाँच से थोड़े ना, दस में थोड़े मुकाबला कर लेंगे। तो मारिए और निकल लीजिए, कोई वहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। जो जीता वही सिकंदर, मारना है और भाग जाना है। उसके बाद देखिए, बंदा आया, सिंपल, दोनों हाथों से उसने कॉल पकड़ लिया। अब हमें छुड़ाना भी और मारना भी है, इधर ये इधर, सो सिंपल। देखिए कितना क्विक हो जाएगा ये। इधर पकड़े, हाथ को उठाइए, यहाँ बैंड और यहाँ से एल्बो, एक उंगली पकड़े, यहाँ से बैंड। अब इसकी हालत बेकार, अब दोबारा ही कभी लाइफ में भी किसी का कॉलर पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। और ताकत है तो कस के मोड़िए, नहीं ताकत है तो दांत काट लीजिए। दोनों चीज़ें सिंपल है ना, सिंपल ये है, दांत काट लीजिए। नहीं जीत पा रहे गर्ल्स हैं, नहीं जीत पा रही हैं, जैसे बॉयज से पकड़े मोड़ दिए, गर्ल्स नहीं मोड़ पा रही, तुरंत दांत काट लीजिए। मोड़ने बाद देखिए, वन मोर टाइम, हाथ को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ बैंड और यहाँ से हम इसे फेस के ऊपर ये एल्बो मार देंगे। एल्बो मारते जाहिर सी बात है ढीला पड़ जाएगा जरूर। हाथ को झटके छुड़ाइए और एक कोई उंगली पकड़ कर ट्विस्ट कर दीजिए, तुरंत इसकी हालत ख़राब हो जानी है। ये देखिए, अब तो फ्रंट साइड से था, अब ये बैक साइड से है, आप इसे कैसे छुड़ाएंगे। वही चीज़ जो हम इधर लपेट रहे, तो वही चीज़ अब हम इधर लपेटेंगे, ये इधर, ठीक है। देन ये पंच इधर और ये एल्बो इधर, हाथ के यहाँ से बैंड,
ये देखिए इस तरीके से, वन मोर टाइम, फिर से देखिए, बंदे ने पकड़ा इस हाथ को उठाकर यहाँ से बैंड। आप यहाँ से चाहे तो इस पसलियों पे पंच भी मार सकते हैं या फिर इसके ऊपर एल्बो भी खींच करके मार सकते हैं। दोनों कंडीशन में इसे चोट पहुँचेगी जरूर, सिंपल है। गौर से देखिए, स्लोली बताता हूँ, ये देखिए पकड़ा हाथ, एक पैर को पीछे लाते हुए, पैर को पीछे लाते हुए यहाँ से ये बैंड बैंड करेंगे और सीधा पसलियों में खींच करके पंच। चाहिए तो बाल पकड़े इधर घुमा करके घुटनाएं मार सकते हैं या फिर इसके एल्बो मार सकते हैं मुंह के ऊपर। दोनों ही टेक्निक बेस्ट हैं। अब देखिए, जैसे पहलवानों इधर इस तरह धक्का देकर लड़ने लगते हैं, ये लाइक इस तरीके से ये। अब सिंपल, एकदम सिंपल क्या है, देखिए ये लड़ रहा है इस तरीके से, ये इधर इस तरीके से, दूसरी तरफ से बैंड कीजिए और ये हाथ पकड़े फोल्ड इधर। अब दोस्तों इसकी हालत खराब हो जाएगी, सारी उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई हैं इस समय। फिर से एक बार गौर से देखिए, पास से दिखाता हूँ मैं आपको कितना सिंपली ये मूव हो जाएगा। देखिए जो पैर इसका आगे है ना, इसको आप उसी तरफ खींचिए, खींचेंगे तुरंत ही घूम जाएगा। और इस हाथ को हल्का सा बाहर निकालते हुए ऊपर उठाइए, ऐसे ऊपर और बाहर मोड़ दीजिए। ये देखिए हाथ इसका बैंड हो चुका है बहुत बुरे तरीके से, और ये मुड़ कैसे रहा वो देखिए। हम हाथ को इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, ऊपर से तो प्रेशर नहीं लगा पाएगा ना, आगे धक्का दे पाएगा, तो हमें हल्का सा इसे ये फोल्ड करना है। हाथ हमारा यूं हो गया, इधर लाना है, ये देखिए यहाँ से ये, और ऊपर उठा देना है ये हाथ हो गया बैंड। अब मैं चाहूँ तो इसके हाथ तोड़ सकता हूँ यहाँ से, कस के अगर यहाँ पे मैं प्रेशराइज कर दूँ तुरंत हाथ ब्रेक हो जाएगा। ये इधर देखिए, अब रोड फाइट में कुछ सोच रहा है कि आस्तीन चढ़ाता हुआ आया और खींच करके पंच मार रहा है। अक्सर आप देखे होंगे जो हल्के फुल्के बंदे होते हैं जो जिम करके थोड़े बहुत सीख करके आप ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं एक तरीके से। अच्छा फाइटर कभी भी गुंडागर्दी करेगा ही नहीं, वो उन लोगों की बस ही बात होती है जो कभी सीख नहीं पाए और जितना सीखा है सब मिसयूज़ कर रहे हैं। देखिए आया आस्तीन चढ़ाता हुआ और आपको खींच कर पंच मारने की कोशिश करता है, देन यहाँ से इधर, जैसे आप किसी को रोकते ना वेट रुक जाओ, सेम वैसा बिल्कुल सिंपल, आँख बंद नहीं होनी चाहिए याद रहे, ये इधर ठीक है, और यहाँ से खींच कर घुटना ऐसे पेट में घुटा पेट मारेंगे और यहाँ से ये ट्विस्ट किए और सीधा खींच करके इसे पसलियों पे, वन मोर टाइम देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ से ये इधर सामने रोके और यहाँ से ला करके आप यहाँ से एल्बो भी मार सकते हैं, इसके एल्बो मारेंगे और यहाँ से उठा कर गर्दन भी लपेट सकते हैं। एक तो ये मूव हो जाएगा, दूसरा देखिए ये मारा यहाँ से ब्लॉक किया हमने और यहाँ से ट्विस्ट किए, ट्विस्ट करने के बाद देन सीधा पेट में किक। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट नहीं करेंगे ऑल पे तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, सब्सक्राइब करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। और दोस्तों में इसे आगे शेयर कीजिए, रुक मत जाए कीजिए, शेयर कीजिए, आपका 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड जितना लगे टाइम उतना टाइम थोड़ा सा निकाल करके शेयर कर देंगे तो लोगों को हेल्प हो जाएगी, और उतना टाइम खर्च करने से आपको कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लीज़ शेयर द वीडियो। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।